हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस हिस्ट्री। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एडमिशन लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन शोन डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैंगलोर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर वेरियस कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज़ के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट फी कौन सी पिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू बैंगलोर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी इज काउंटेड अमंगस्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है वो देश का सबसे अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका काउंट किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और आपका डायरेक्टरेट लेवल कोर्स है। थ्रू दिस आर्टिकल यू कैन चेक ऑल डिटेल्स अबाउट बैंगलोर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई। तो इस आर्टिकल के थ्रू आप बैंगलोर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ़ीस के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आप कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPSL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, जीटी गोयनका यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना और एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम बैंगलोर यूनिवर्सिटी और फुल नेम आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी, कोर्स आपका UG एंड PG है और एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहेगा, एग्ज़ाम मोड अभी नहीं बताया गया है यहाँ पर। ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस, हेल्पलाइन, स्टेट आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में, कंट्री आपका इंडिया में। इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका PG कोर्सेज़ के लिए डेट है, इवेंट है एंड डेट्स हैं। तो एप्लीकेशन आपका फॉर्म अवेलेबल होगा नवंबर के फर्स्ट वीक में और आपका लास्ट डेट रहेगा नवंबर के थर्ड वीक तक लास्ट डेट रहेगा। आपका एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ पे करने हैं। तो लास्ट नवंबर तक आप फिल अपना एप्लीकेशन फ़ी पे कर दीजिएगा। तो ये डेट अभी कंफर्म नहीं है, जब डेट कंफर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जल्दी रिलीज़ होने वाला है सभी कोर्सेज के लिए। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड द कलर कैन बी डाउनलोड द फॉर द लिंक विच इज़ फेंस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल कर लेना है और उसको यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और यहाँ पे दिया गया है कितनी फ़ीस लगने वाली है, सीट अंडर रेगुलर के लिए आपका यहाँ पे 850 रुपीज़, अदर कैटेगरी के लिए है और स्टैंडर्ड वालों के लिए, और ST SC वालों के लिए वहीं पर आपका 550 रुपीज़ लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उसका 20 ईयर्स होना चाहिए और ST SC वालों के लिए और फॉरेन नेशनल लोड के लिए आपका 22 ईयर्स, और यहाँ पे BA LLB डिग्री के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए आपका, और अगर आप ST SC हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है, और आपका यहाँ पे BA LLB के लिए 20 ईयर्स होना चाहिए और ST SC वालों के लिए, OBC वालों के लिए 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, और फॉरेन नेशनल के लिए, और फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए
और 45% होना चाहिए, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है बैंगलोर यूनिवर्सिटी का बैंगलोर, और यहाँ पे जाना भारती कैंपस, और यूनिवर्सिटी ला कॉलेज, रिसर्च इन ला, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़। तो इन सब का क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, इन सब के कैंप एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना आपको, और अपना सिलेबस देख लेना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको सेल्फ स्टडी करना है, मैक्सिमम टाइम देना है वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको यहाँ पे डेली अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल कर देना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, जो कि आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान काम आएगा। तो आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम रहेगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और एग्ज़ाम डेट के बारे में रहेगा, एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगा, सेंटर एड्रेस रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं आंसर की, आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर फिल करके सबमिट कर देना, आपका रिजल्ट रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपका रिजल्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा, तो उसी के बेस पे आपके एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एडमिशन और काउंसलिंग की बात करते हैं, तो आपका मेरिट बेस पे यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया गया था उसी के बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। तो जो भी एप्लीकेंट इसमें फॉर्म फिल किए रहेंगे, एंट्रेंस टेस्ट दिए रहेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके चेक करें। So thank you so much for watching my video. Thank you.